ਖਾਣਾ ਮਤ ਕਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰ ਐ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਐ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕਿਆ ਸਾੜੂ ਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰ ਨਾ ਜੇ ਦੇ ਦੇ आपका महेश किस गांव से है? चाचूपुर। अच्छा, आलू की आपने फसल की थी तो उसमें कितना नुकसान हुआ है? डेढ़ लाख का नुकसान हुआ है। तो अच्छा, एक मुख्यमंत्री के द्वारा योजना चलाई गई थी बीमा के लिए, तो उसमें बीमा वीमा करवाया था आप लोगों ने? नहीं। गांव के किसी ने भी उसमें बीमा करवाया? अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब क्या कोई आया नहीं था यहाँ पर बीमा करवाने के लिए, या फिर क्या कारण? कोई आया नहीं था। आप लोगों को जानकारी का अभाव रहा, आप लोगों को जानकारी नहीं थी इस चीज़ की। क्या नाम है आपका? प्रेम बेटे। प्रेम बेटे, कहाँ, किस गांव से हैं आप? चाचूपुर। चाचूपुर से। आपने कितने बीघा आलू किया था? आपने 6 बीघा आलू गाड़ा था, सब चला गया? सब चला गया। कितना नुकसान हुआ आपको करीबन? अब धान सब चलो गो। धान भी किया था? तीन बीघा धान, तीन बीघा आलू, 6 बीघा आलू। 6 बीघा आलू। कितना नुकसान हुआ आपको? बहुत हुई गो। अब पता नहीं, आदमी पैसा लगाओ तो हमका लगाओ, सब चला गया आपको? सब चलो गो। आपके पास कोई आया था गाँव में? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया था गाँव में? क्या हानि पहुंची है? अरे इससे बाजरा और धान सबको नुकसान है, बहुत बड़ो नुकसान हुए, सब बैरे डाले हेंगे, सब हमारी उतरा आते हैं। अच्छा, पानी इतना भर गया है कि धान ऊपर से पानी निकल गया है धानों के। ये बताइए, जो आलू जिन्होंने किया है उनकी फसल का क्या हुआ? आलू फसल सब नष्ट हो गई। अच्छा, तो इससे बहुत बड़ा हानि नुकसान हुआ है। दादा, क्या नाम है आपका? राम गोपाल। गाँव का नाम क्या है? धारा नगरा। अच्छा, गांव में लगातार जो बारिश हो रही है कई दिनों से, कितना नुकसान हुआ है किसानों का? किसानों बहुत नुकसान हुई गो। क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या फसल खराब? आलू सब चलो ही गो, आलू सब चलो ही गो। और मतलब जैसे मकान तो टूट ही गए यहाँ। अच्छा, मकान भी चले गए? मकान कटाए हुए ना, मकान सब ये सब चले गए। अब जाओ नंबर सबको हटने वाले भाई। अच्छा, मकान कट रहे, आप लोग कहाँ रह रहे हो फिर? अच्छा, कोई प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिली आपको? अब कुछ नहीं मिली। क्या नाम है आपका? कश्मीर सिंह। कहाँ के प्रधान हो आप? फतेह प्रकाश थान के। अच्छा, जो लगातार जो बारिश हो रही है, कितना नुकसान हुआ है किसानों का? सब टोटल नुकसान ही हो। क्या क्या नुकसान का? सब नुकसान, फसल सब चली गई, मतलब जमीन सब कटी गई, कहाँ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, टोटल नुकसान। फसल में किसानों का क्या क्या था? धान थे और आलू गड़े, जो पानी बरसे वो आलू सब चले गए, आलू बह गए, इतना जोर पानी बरस हो, आलू सब चले गए। बारिश के कई दिनों से लगातार हो रही थी? बारिश हो रही है 17 तारीख से।
तारीख से। तो जो किसान जो हैं इनकी कोई मांग आंग है, क्या मांग है? अब किसान किससे मांगे? अब कोई लेखपाल आवाए, कानून को आवाए, देखे बाहर सब लिखे लिखावे किनको नुकसान किनको नहीं है। अभी तक कोई देखने आया है? कोई नहीं आया होगा, जब कटाव हो तो तभी आए, तब से कोई लोग देखने नहीं आया होगा। तो पूरे गांव में जो कितने सबका नुकसान हुआ है? टोटल सभी का नुकसान, जमीन सबकी, देखो गंगा जी मोहरा पाई गई है, ऊन तक तोड़ के लाए, हिन बनाओ हेनो गंगा जी ने खींची आई गई। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनारकल। गांव का नाम क्या है? दारा नारा। अच्छा, लगातार बारिश हो रही है इसमें गांव में, लगभग कितना किसानों को नुकसान हुआ है इसमें? मकान का चले गए, जो मकान खराब है टूटने वालों का गंगा जी किनारे चंदे ना एकाव। अच्छा, फसल क्या क्या खराब हुई है? फसल जालो सालो गड़े का सो चले गए रुकावे, आप आल नहीं फसल ये दाना नन के। तो पानी भी कटान हो रहा है क्या? हाँ, पानी कटान होने से लगभग कितने मकान चले गए? मकान जो पूरा गाँव दारा नारा चलो। अच्छा, जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिली, कोई अधिकारी आया देखने? अभी कोई नहीं ना। कोई नहीं आया, बारिश कई दिनों से लगातार हो रही थी। सात आठ दिन हो गए वहाँ जाने। अच्छा, ये जो कटान हो रहा है जो कई दिनों से हो रहा है? कटान तो जो हो रहा है अषाढ़ सावन से, वो सब पूरा गाँव चो देख, आप खुद ही मालूम देखे कोई कोई जी का बने थे बने ना, तो बड़े मड़ाइया मोड़िया डाले ताने रात ही थे। खुद नुकी लो तो घुस घुमा निकल पाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज। नीरज, कौन सा गांव है ये? दारा निकला। इसमें कितने लोग बाढ़ की चपेट में? गांव पूरा गांव। लमसम कितने परिवार होंगे इसमें? कम से कम परिवार तो 50-60 होंगे। जो यहां तो मतलब अपना मकान तोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं? तो आप लोग ट्रैक्टर ईंटे दूसरी जगह भिजवा रहे हैं? ऊपर डरवा रहे। अच्छा, जिला प्रधान तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला? कोई नहीं, सरकार को ही निकम्मा नहीं करिए। मतलब इसके अलावा कोई बीमार वगैरह है गांव में? सब बराबर धंधा करे जाते हैं, बच्चे सब बीमार है। कितने लोग बीमार होंगे? कम से कम हर घर में है बीमार। मतलब क्या दिक्कत? खांसी जुकाम बुखार है? बुखार बहुत करके, फिर प्लेटें गए कि किसी का कम टाइफाइड मलेरिया का वायरस निकल रहा है। मतलब साथ तो कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो मतलब आपका जीवन बिसर कैसे हो रहा है जब बाढ़ आ गई, जमीन कट गई है? ऐसे ही होता है। क्या नाम है माता जी आपका? गाँव से गाँव आई है? दारा नगर आई। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मकान क्यों तोड़ रहे हैं? अब का तोड़ रहे हैं? कटान होते है, लड़का बच्चा सब डारे का सड़क पर मड़ाइया डारे तंबुआन। मतलब आप लोग सड़क पर रह रहे हैं? और मतलब जिला प्रधान तरफ कोई सहयोग नहीं मिला? कोई नहीं आते, कोई ना जिला पंचायत वाले आते ना कोई। अच्छा, अभी तक कितने लोगों ने जो है अपने मकान तोड़े होंगे यहाँ से?
50-60 लोग मकान तोड़ चुके हैं। तोड़ चुके हैं। अच्छा, इसमें कोई कुछ गांव बीमार वगैरह भी हैं? अभी बीमार सब बीमार ही चलते हैं। और का सब जाता ले जाता भरते ऊपर ऊपर आओ तो का करें। मतलब कि जिला प्रधान से कोई सहयोग नहीं मिला है? कोई नहीं। आपके गांव में सब मकान सब लोग तोड़ रहे हैं? कोई नहीं भैया, कटाव लगो रात में कोई सवेरे दिन में रात में